working in a digital marketing company and I got picked to work with Captain Raghuraman in president's office right and it changed my life because I entered an ecosystem called reliance yeah. I'm working in the president's office directly yeah you understand? yeah yeah 12th pass Koi MBA, MBA kuch nahi hai. right and I'm working with him and every day spent with him is an MBA how does this happen

उनमें से बहुतों की स्टोरी ऐसी है मुझे यह जानना है इफ यू ऑल्सो वर अल्स गायर वैकग्राउंड ऑफ मार्केटिंग आई अंडरस्टैंड शिफ्ट राइट हाउ डिड दिसपन हाउ डिड दिसपन इट वॉज इ पेन दैट आई वॉन्टेट एंड सीरियस देन वॉज दैट आई वॉज वर्किंग for oh, four bloody years i was tired of working at night and you know waking up like an owl and uh, the side effect of that was i used to survive on vada uh, pav and you know other stuff and i had completely lost control of my uh, body weight and all of it and and scientifically speaking if you don't sleep at night melatonin does not uh, you know manufacture in your body and then uh, the glucose converts into fat you know that that's how it is not science is because 11 12 bada padhai right yeah uh,

उसके बाद क्या हुआ मे बी आई वॉज आई वॉज टू गुड एट वॉट आई वॉज डूइंग सो माई मैनेजर शी वॉक टू मी हर मीम इंदू शीज फ्रॉम डली शी मनीष ये से बहुत अच्छा कर रहा है वाई डोंट यू जॉइन माई ऑफिस एंड आई सेट वॉट डज इट मीन शी सेट आई डू सेल्स वाई डोंट यू डू अपॉइंटमेंट सेटिंग फॉर मी सो यू नो लाइक बिजनेस डेवलपमेंट बी डी प्री सेल्स राइट सो आई 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 डोंट डोंट नो एंड शी वरी कोच यू सो Three see Me on three things: list building, finding email ID. Uh, so she taught me hacks of how to find email ID. That's how I came on LinkedIn because LinkedIn helped me do yeah, that. Yeah, yeah, yeah. Got it. And find phone numbers. And and she told told me hacks how to crack into interviews. So in in US, uh, there are structured uh, office people reception where office. you call and then they patch you patch you up right. Yep. So I used to like play around with my words, be very sweet, all of that. Uh,

एंड यू नो दिस सोशल मीडिया थिंग इज़ वेरी न्यू इट्स कमिंग डू यू नो फेसबुक एंड आई सेड बॉस आई हैव लिंगड इन आई हैव ट्विटर आई डोंट हैव फेसबुक आई डोंट हैव एन आईडिया ऑन फेसबुक सो ई सेट मैंने ना मैंने भी ना कल रात को ही बनाया है बड़ा इंटरेस्टिंग है बनाना उसके बाद क्या हुआ तो मैं फूल पत्ती की फोटो खींच के अपलोड करने लगा मेरे फेसबुक पर जाओगे तो अभी भी है पड़ा हुआ है ना तो देन ही वॉक्स अपनी मनीष वी हैव अ प्रोजेक्ट आई एम लाइक सर प्रोजेक्ट ये तो मेरे को नहीं आता अभी कैसे करते तो कुछ नहीं करना है माई फर्स्ट एवर सोशल मीडिया प्रोजेक्ट गाइज एंड ट्राई नॉट लाफिंग ओके एक लायंस क्लब के प्रेसिडेंट साहब थे उनको बनानी थी अपनी सोशल इमेज तो उनके पांच हजार फ्रेंड हो गए थे अच्छा, क्योंकि फेसबुक में पांच हजार फ्रेंड हाँ, होते हैं हाँ, तो उनको क्योंकि अब जो है कि स्वैग चाहिए लाइफ में हाँ. क्योंकि लायंस क्लब के प्रेसिडेंट है ही टू बी ओमनी प्रेजेंट एनी वेयर एवरीवेयर तो मेरा जॉब था कि रोज जो बर्थडे होता है ना सबको बर्थडे विश करना आई सेड नॉट लाफिंग इन 2011 दिस गाइस गाइफ चेंज बिकॉज हिज बॉस सेज कि यार

मजा नहीं आ रहा है सो इज तू क्या करे मनीष आई ऑर्गेनाइजेशन विच आई नॉलेज फैक्ट्री वो ना वर पुणे में नंबर वन इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट वेबसाइट लीड जनरेशन मेरे ना सारे रियल इस्टेट वालों का फेसबुक प्रोफाइल बनाऊंगा मैं तो आई सेट मेरे को ना आप मीटिंग में ले जलो बेचूंगा मैं ठीक है तो वो एक दो मीटिंग में ले गए मैंने बेच दिया ठीक है साठ हजार रुपये एक्स्ट्रा राइट मेरा बॉस खुश मैं मैं बनाऊंगा इनका कवर पेज फोटो पेज फेसबुक पेज यू नो ऑल ऑफ दैट राइट फोटो डालूंगा लाइक आएंगे ये होगा होगा राइट हाँ? यही था मेट्रिक दो हज़ार ग्यारह में लाइक हाँ, ले आओ हो राइट वैनिटी मैट्रिक वैनिटी मैट्रिक राइट

और होता क्या था कि कुछ चीजें जब क्रैक नहीं होती थी लाइक like, अब यदि आपको पूछा आपके क्लाइंट ने अगले रिपोर्ट में अगले मंथली रिपोर्ट में यार ये लाइक बढ़े नहीं राइट ना यू यू हैव टू हैव एन आंसर फॉर दिस राइट बिकॉज तब मैं जाके यूट्यूब में हाउ टू इंक्रीज लाइक्स हाउ टू डू दिस इन साइट नो हाउ टू राइट तो उसके बाद क्या होता था कि

अग्रेसिव है थोड़ा मेरी कुछ कुछ स्पिरिचुअल फिलोसफी मैच नहीं करती है उसके साथ बट बट यार वो भी फूड विद डिग्निटी के बारे में बात करता है एंड दैट इज वाई आई कनेक्ट विद हिम राइट वो बोलता है कि स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस गेट अप एंड डू समथिंग एंड इज है बिकॉज ऑफ

मेरे को बात बताओ hmm. जहां से मैं निकल के आया हूं यदि मेरे को सत्रह साल की उम्र में एक कॉल सेंटर जॉब नहीं देता तो मैं क्या करता तो तो चौदह घंटा काम करना वॉज नॉट हासिल फॉर मी इट वॉज अ प्रिवलेज राइट सो जो भी लोग हासिल कल्चर के बात में बात करते हैं ना hmm, hmm. वो अपने आस्तीन में झांक ले उन्होंने कभी राशन के दुकान पर जिल्लतें नहीं सानी वो कभी टॉयलेट जाने के लिए आधा घंटा लाइन में नहीं खड़े हुए वो कभी मतलब तुम फैक्ट्री से काम करके आते हो तुम कुछ पैसे कमा के आते हो तुम्हारी दादी बीमार हो जाती है और तुम उन, उन उनको हॉस्पिटल ले जाते हो और जो तुमने महीने भर बोझा उठा के सिर पे कमाया है वो सारा एक दिन में यूँ चले जाता है तो ये लोग ना कभी हसल कल्चर की बात नहीं करेंगे God, that, इनके, तो, इन, इनके, लिए तो, इन, इनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है सर यस सर राइट यू नो वेन आई वेन आई वेन आई स्टार्ट वर्किंग इन बी एस एन कॉल सेंटर में मेरा पहला नौकरी था यू नो साढ़े तीन हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी uh, तो मैं सात बजे से मॉर्निंग में तीन बजे तक वहाँ काम करता था और रात के तीन नहीं 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 अच्छा, से दोपहर के तीन बजे तक एक शिफ्ट बिकॉज वो ट्वेंटी फोर आवर्स की कॉल सेंटर थी तो आठ आठ घंटे की तीन शिफ्ट होती थी ए बी सी राइट कॉल सेंटर में यदि किसी ने काम किया होता तो उनको पता हो ऐसे शिफ्ट चलती है राइट right? <laughs> तो मैंने रिक्वेस्ट करके ए शिफ्ट ली थी हमेशा राइट right? क्योंकि मैं मॉर्निंग सात बजे पहुंच जाऊंगा तीन बजे तक काम करूंगा उसके बाद सर पता है मैंने मैकडोनल्ड में काम पकड़ी थी And McDonald's, when you when you join, right? You yeah. you do everything. You you sweep, you clean, you, you do everything. bring the order. yeah, everything, ignore, everything, everything. Your last nirvana is you just get to stand behind the counter. That is the most respectable job, right? You take orders. Yeah. But then you have to go from top to bottom, right? So there were three reasons for that. Reason number one. आई हैव टू मेक एक्स्ट्रा मनी बिकॉज आई हैम बिकॉज ये साढ़े तीन चार हजार रुपये में इंसेंटिव लगा के पाँच हज़ार आई गया तो भी उसमें कुछ होना जाना नहीं है राइट रीजन नंबर टू यार आई वॉन्टेड टू लर्न कम्युनिकेशन इन अ बेटर वे एंड दैट वॉज अ ग्रेट प्लेस बिकॉज एवरी न्यू पर्सन वॉकिंग इन वॉज अ न्यू फेज फॉर मी एंड आई कुड कम्युनिकेट इन इन अ बेटर फैशन और गेन माई कॉन्फिडेंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन तीसरा फ्री फूड डिनर फ्री दवाई

क्रिएटर बन सकता है हाँ, और हाँ, ये हाँ, सोशल मीडिया कर सकता या, है और या, ये या, मार्केटिंग में जा जिन्होंने राइट या 2014-15 में so, ना बननी तो स्टार्ट हो गए थे या, या, तो ब्रांडिंग एक्सपर्ट बॉम्बे में है अब मैं फ्रेंड बोल सकता हूँ तब तो वो मैं क्या नाउ आई बिकम द जी सॉरी तो व्हाट वर आर ट्रेट नोविस मार्केटर्स यार ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाला सोशल मीडिया वाला चीज है ना ये थियरी नहीं हो सकता सिर्फ बिल्कुल वेर विल यू प्रैक्टिस योर ओन प्रोफाइल योर ओन फेसबुक पेज क्रिएटिव इंस्टाग्राम योर ओन ट्विटर योर ओन लिंक्डइन राइट आर्टिकल्स गलत content. है सही कही है नोबडी केयर्स राइट जस्ट जस्ट कीप पोस्टिंग कीप ट्वीटिंग कीप रिप्लाइंग टू प्रोफाइल्स मतलब कुछ नहीं समझ में आता तो आप फूल पत्ती के फोटो खींच लो उसको रील वाले सेक्शन में डाल दो उसके पीछे गाना लगा दो लव स्टोरिया डाल दो राइट है जस्ट डू इट जस्ट डू इट एंड वेन यू की

Bhuvan works 20 hours a day. Okay. I've seen that guy working 20 hours a wow. day. Wow. Right? Ranveer, your biceps, same, 16 to 20 hours a day. Hard work. Right? And and, and not 20 hours a day, every day. Like, obviously, grind he's grinding to a Like Right? Raj, for that matter, 16 hours a day. I've seen this guys slogging. Abhi and New. Damn, I've seen New do research for 10, 10 hours to make one video. Right? Um, Slok, take hmm. burner. He and his team, unless they crack a script, they don't go home. Right? Unless they nail a shoot, they don't go home. And they don't do it because it's a job. They do it because they love it. So, my point is uh, none of these guys have it easy. That is why anybody who's going in the content section, I always tell them.

you have to script you have to set up your light you have to uh, you know stand in front of the camera you also have to go wash your face uh, do your own makeup of course hair uh, be presentable then edit the video costume everything 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 you have to do everything right that's how you start so you're saying the common trait amongst all of these popular people they are all hard very hard -working. working people they are all none 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 have got it easy none again yahi factor aa raha hai na wapas grit ka Yeah. You know grit and adherence. Otherwise, I might put hard work yeah. for 10 days, yeah. and then 11th day I'll be like, okay, I'm done. You know, there was an very really interesting discussion once between me and Zishan um, ki passion ka definition क्या है hmm. and बहुत interesting definition आया. आपके हिसाब से what is passion का definition पहले मैं आप बताइए फिर मैं बताता हूँ. मेरे यार मेरे को पूछोगे ना तो मेरे को लगता है passion ये the privilege feeling. Okay. Uh, passion ना आप तभी practice कर सकते हो जब आपका पेट भरा होता है. Right. राइट तो पैशन इज अ वेरी प्रिवलेज फीलिंग दैट इज वॉट आई थिंक ओके राइट पैशन से पहले ना आपको सर्वाइवल के लिए काम करना होता है राइट ट्रू एंड सर्वाइवल सॉल्व कर लो पूरी कंट्री पैशनेट हो जाएगी आई लव दैट लाइन लव दैट लाइन हमने जब डिस्कस किया तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं आई अग्री विद यूर सिंग आई अग्री विद वॉट यूर सीइंग But from a grit point of view as well. So, uh, what, what we figured out was you know, what is the difference between I like doing this versus I'm passionate ah. about it? Mm. I like thinking about this versus I'm passionate about mm. it, right? A level aata, hai, after you try something again and again, there is a level mm -hmm. where you fail consistently. Mm -hmm. If you continue doing mm -hmm. this particular thing mm -hmm. after that level, after that benchmark of failure consistently, mm -hmm. then you're passionate about it.

दो सौ दिन ढाई सौ दिन जो घिसते हो ना और जब आपको रेकग्निशन नहीं मिलती है फिर अचानक से आपका कोई एक वीडियो पिकअप करता, hmm. पिक करता है या कोई एक रील पिकअप करता है या कोई एक शॉर्ट पिकअप करता है या कोई एक ट्वीट पोस्ट वायरल होता है या कोई एक लिंड पोस्ट वायरल जाता है दैट मेक्स दैम कीप गोइंग बिकॉज एक बार वैन यू टेस्ट दैट ना यार ओह ये है हाई ये है रिवॉर्ड राइट देन देन इट इट कीप्स देम गोइंग लाइक

या आपको कुछ बोलता है यार मेरी मदद कर दे एंड hmm. आप पूरा आपका जितना भी ताकत है श्रद्धा है ईमानदारी के साथ आप वो करते हो राइट right? फिर होता क्या है कि यदि वो काम आपको सही लग गया या उसकी वजह से आपका मतलब अच्छा हो गया नाउ यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ सेल्फ रेकमेंडिंग रिकमेंडिंग मी टू टेन अदर पीपल हु नीड देट काइंड ऑफ वर्क मेरे साथ ना वही हुआ है I got recommended from one place to another to another to another to another. I tell you, just because how. you were able to deliver. I will tell you, I will tell you. Let me talk from the content creation perspective. I met Ranveer. Um, I I did some philosophical changes in his life. He got rid of all these bad habits that he had, which is vocal and spoken about on the yeah, internet. Yeah, yeah. Then I entered into his YouTube arena, right? जो भी मेरा दिमाग चलता था मैंने चलाया जो हम जोश स्टॉक्स में सीखते थे मैं यहाँ भी उसको बताता था कि यार हमने ऐसा ऐसा क्या ये हुआ तू भी देख ले राइट वी यूज टू इन्वाइटिंग जो स्टॉक्स एंड ऑल दिस टू ब्रेन स्ट्रॉम अलॉट टूगेदर आई मेटिंग वैन ही हैड नाइन्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स सो ही वज नॉट लाइक दैट मिलियन यूट्यूब वाला पर्सन राइट right? um, तो उसके बाद क्या हुआ कि रणवीर है ना वो हाइप मास्टर है एटलीस्ट यू नो सो so, वो एक दिन आ, वो क्या बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन की कोई एक इवेंट हो रही थी अवार्ड अवार्ड इनको मिल रहा था तो वहाँ सारे क्रिएटर था वहाँ बोलते गाइज 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 अपने सारे दोस्तों को कलेक्ट कर लिया उसने उसमें जो भुवन भी थे रोहित भाई थे सारे लोग थे मतलब जब प्राजक्ता थी सारे लोग थे कलेक्ट कर लिया बोला यू गाइज हैव टू मीट मनीष भाई एंड देन ही मेड मी मीट एवरीबडी एंड देन ही सेड कि इन्होंने ये चेंज कर दिया इन्होंने ये चेंज कर दिया प्राजक्ता तेरा ना ये प्रॉब्लम है ना मनीष भाई से बात कर ले भुवन भाई आप ना इस चीज़ पर कनेक्ट कर सकते हो एंड 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 सेकेंड थिंग वॉट आई हैपन इज़ i wrote and bhuvan we walked into uh, uh, ministry of defence uh, because he had just done his short film on that right because i, I had ministry of defence uh, you know uh, access so i took him there he represented his movie there so see value had happened value had happened and that's how we became friends right and in saying all of that i got access to the guys who are larger than life got it right and then i could add something 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 and that's how i became friends right so my point is when you get the first break फर्स्ट चांस गिव इट ऑन वो सामने वाला बंदा आपको चीट भी करेगा ना तो भी चलेगा कॉन्फिडेंस मैं आई एम जस्ट अ कॉपी राइटर नया नया बनाओ ठीक है यार मुझे तो बड़े लोग मिल गए दो तीन ओके बट आई डोंट है कॉन्फिडेंस टू एड वैल्यू टू दम उ डू आई डील विद पहले अपने आप को वैल्यू एड करो पहले अपने आप को वैल्यूड करो आई मीन दैन यू राइट फोर योर सेल्फ गॉड इट यू क्रिएट यूर ओन ब्लॉग यू राइट फाइव हंड्रेड ब्लॉग्स यू राइट ऑन मीडियम अप्लाई फॉर ब्लॉग राइटिंग कॉम्पिटिशन यू घोष्ट राइट यू राइट पीपल फॉर फ्री आप लिख दो किसी को कि सर यू नो आई विल सर और मैम आई लाइल राइट ब्लॉग्स फॉर यूर आई आई डू दिस फॉर यू आई डू दैट फॉर यू राइट एंड डू इट ऑन द साइड विथ वट एवर यूर डूइंग ज वन बैलेंस आज के जमाने में बींग स्परिचुअल और बींग सेन बींग सेम नॉट लेट्स नॉट गो टू स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी ठीक है ना सेन को लेट ब्रेक इट डाउन एंड सेक बी माइंडफुल राइट लेट बी अवेयर ऑफ वॉट इजनिंग टू यू बी अवेयर ऑफ वॉट यू वॉन्ट बी अवेयर इफ यू वॉट यू वॉन्ट डू यू नीड दैट

मे बी कंसिडर नॉट डूइंग इट लाइक अभी आपको करना है ही तो रोक तो कोई नहीं सकता बट बट देन मे बी कंसिडर नॉट डूइंग इट राइट सो आई थिंक जैसे आप कैप्टन कहते हो ना दिस वर्ल्ड इट सेल्फ इज वेरी फिलॉसफिकल एंड स्पिरिचुअल द गाय गायज कैप्टन इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू एंटर एंड द लास्ट वीव ये राइट ऑलवेज फर्स्ट वॉन्ट टू एंटर एंड लास्ट वॉन्ट टू लीव राइट सी फ्रॉम अ वॉर सिचुएशन जहाँ पे सेनापति पहले घुसता है बाद में निकलता है एक मैनेजर पहले घुसता है बाद में निकलता है एक लीडर पहले घुसता है बाद में निकलता है राइट right? uh, जब जब मिसाइल फेल हुआ था तो अब्दुल uh, कलाम जी के बॉस ने आके ओनरशिप uh, uh, ले ली थी और जब मिसाइल लॉन्च हो गया था तो बोला कि नहीं इसने अब्दुल कलाम किया राइट सो सो माई पॉइंट इज यू नो यू यू हैव टू यू हैव टू हैव दैट मेन्टेलिटी राइट आई थिंक इन दैट मिटी आपका जो टीम है या आपके जो पीपल्स uh, है जो आपके मेंटीज है वही आपको एम्पावर कर देंगे राइट hmm. सो right? so, अब बात रही वैलिडेशन की इनसिक्योरिटी नेचर राइट एंड जहां तक मुझे लगता है ये दिस इज नॉट कोचेबल दिस कम्स विथ एक्सपीरियंस दिस कम्स विथ टाइम किसी का पहले आता है किसी का पहले आता है किसी का बाद में आता है राइट

you have to be artist and you have to be scientist both you cannot ignore ignore your data your analytics you cannot ignore when you put a video after 7 days how much did it perform what was the ctr uh, what was the uh, retention how much was the average watch duration uh, where did people drop or where did people rise right you cannot ignore all of that. You have to extract that, put it in an Excel sheet, compare, 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 and see what did work and what did not work. Make a story out of it. Make, and a, uh, make a story out of it, and, and more, 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 Probably like go back and see. Okay, if you received a low CTR on your thumbnail, what happened? Did you use the wrong color? Did you use a lot of text? Did you give a lot of information? Um, you know, how did you? Uh, did you? Did you use a a high res image or not? Right? Did you optimize it for YouTube or not?

Because they saw you putting a lot of hard work. They saw you putting here 9 a.m. is shift time. This guy is there, 8:45. Gate is not open, but he is waiting. He is the first one to go. When, when your login time is 9:30, that means 9:30 your calls are started. Yeah. You're not switching on your computer at 9:30 and you are not going to catch a coffee.

की मतलब मेहनत एंड ऑल दैट ऑल ऑफ यू नो बट इज सैड कि कभी भी ना अपने अंदर अहंकार मत आने देना राइट लाइक डोंट 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 गेट दैट डोट एंड ऑल लाइक लाइक स्टे हम्बल बट एनश्योर दैट यू बीन योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफकोर्स राइट कि मतलब कोई रोन दे भी ना राइट लाइक स्टैंड फॉर योर सेल्फ आपके हिसाब से क्रिएटर कौन है क्रिएटर एज पर यू

यदि सब कुछ भगवान का कृपा रहा सब कुछ रहा ना तो हमारा लाइफ है ना मिनिमम सत्तर साल का है मिनिमम राइट right? ठीक है यू डोंट हैव टू क्रैक इट टुडे लेट इट टेक टाइम ऑर्गेनिकली लेट इट ग्रो राइट किसी का समय आ जाता है किसी का कल आएगा किसी का परसों आएगा लेकिन जब भी आएगा ना तगड़ा आएगा तो कीप योर आइज एंड यूर्स ओपन कीप स्पॉटिंग दी अपॉर्चुनिटी कीप डूइंग दैट अपॉर्चुनिटी बट अपने आप को रोज जलाओ मत यार मेरे साथ नहीं हो रहा मेरे साथ नहीं हो रहा उसका हो गया मेरे साथ नहीं हो रहा सबका होगा जस्ट जस्ट फोकस ऑन वॉट यू आर डूइंग टूडे बी वेरी ऑनेस्ट विथ वॉट आर डूइंग एंड एंड सक्सेस वो झकमरा के आएगा सर आपके पास सो दैट विल हैपन सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट प्लीज जल्दी वाजी मत करो लाइक ऑर्गेनिकली फोमो में मत जाओ यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ yeah. यार ये हो गया उसने ये कर लिया मेरा मेरा अभी तक नहीं हुआ अरे वो मेरे साथ ही स्कूल में था ठीक है यार पांचों उंगली नहीं बराबर होती जस्ट लेट योर ऑर्गेनिक टाइम ठीक है ट्रस्ट प्रोसेस प्रोसेस पर ट्रस्ट करो देयर इज नो अदर ऑप्शन मेरे को तो बाकी नहीं पता यदि किसी और को बुला लेना जिनको नहीं पता <laughs> होगा <नहीं>, पता होगा <laughs> लेकिन <laughs> मेरे को तो नहीं पता मेरे को यही पता है बिकॉज़ मेरे साथ यही हुआ है नो आई लाइक द एडवाइस दैट यू हैव गिवन सो far एंड थ्रू आउट योर ऐसा जो मतलब करियर का जर्नी yeah, भी yeah. रहा है ऑल ऑफ दोस लर्निंग्स आर वो फुट फुट के बाहर निकल रही हैं बट आई एम श्योर द अब आप सोचो ना सर लीप ऑफ फेथ मैं बताता हूं ठीक है TEDx गेटवे एक एक इवेंट होता है मेरा दोस्त यशराज यू नो वो क्यूरेट करता है और uh, मैं वहां पे वॉलंटियर करता था और एज अ वॉलंटियर आई वॉज हेड ऑफ द सोशल मीडिया यूनिट आई टू डू ऑल द सोशल मीडिया एक्शन एंड ऑल ऑफ दैट हाउ डिड आई वर्क विद कैप्टन रघु रमन फॉर टू इयर्स इज बिकॉज कैप्टन रघु रमन वॉज अ स्पीकर देयर ठीक है क्या, क्या हुआ कि कैप्टन रघु रमन स्पीकर थे वो हम स्पीकर के साथ एक ट्विटर चैट एक्टिविटी करते थे इवेंट के पहले जस्ट टू यू नो गेज टिकट बेचने के लिए वगैरह वगैरह so, तो मैंने कैप्टन तो 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 रघुरमन को ट्विटर चैट एक्टिविटी में क्या हुआ कि मैंने तो पोस्टर वोस्टर बना के डाल दिया था उसके बाद जिस दिन एक्टिविटी चैट होनी थी उस दिन मेरे को अर्जुन जो रघु के ये थे तब आ, मेरे दोस्त थे उनका फोन आया और उन्होंने बोला कि ब्रो यू हैव टू कैंसिल दैट बिकॉज रघु इज बोर्डिंग ऑफ फ्लाइट एंड ही माइट नॉट कम फॉर द चैट मैंने तो बोला ऐसी कि तैसी ठीक है अब यहां पे मैंने करेज थोड़ा सा दिखाया मैंने बोला इफ ही डज नॉट कम सर ये ठीक नहीं हुआ बिकॉज मैंने तो अनाउंस कर दिया है और मेरे प्लेटफॉर्म की इज्जत है सो so आई इसको आप रिक्वेस्ट मान लो या इसको आप जो मान लो थ्रेड बोलने की हिम्मत नहीं थी <laughs> तो यार रघु कैप्टन रघु ने गोली मार देगा भाई ठीक <laughs> <laughs> है तो मैंने ना जो समझ लो तो ये जो उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिखा उसने ना उसने रघु सर को बोला कि

एंड उसके बाद मैंने संभाल लिया आई की डी एम ऑल द वी विल विल चेक रिप्लाई द्वेश्चन अब हुआ क्या ही ही द फ्लाइट इज ऑफलाइन मैंने क्या किया ट्विटर से रिपोर्ट निकाला कि पंद्रह मिनट के चैट में आपको डेढ़ सौ नए फॉलोअर आए आपकी ट्विटर जो चैट किया उसकी इंप्रेशन इतनी है रीच इतनी बड़ी आपके इतनी मैंशन्स आए आई क्रिएटेड अ फटाफट पीपीडी एंड मेड कन्वर्टेड इन टू पीटीएफ पी डी एफ ई मेल्ड टू हिम ई मेल्ड टू अर्जुन

This changed me as a professional. Changed me as a professional. So, thank you so much for your time. I'm right sure there. that uh, everyone enjoyed a lot.